Ji, assalamualaikum. तो कैसे हैं आप लोग होपफुली आप सब ठीक होंगे खुशपाश होंगे फ़र्स्ट क्लास होंगे तो जी आज का ब्लॉग आ गया है हसीन तरीन ड्रेस के ऊपर और जी रेड कलर किस किस का फेवरेट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी तो लिपस्टिक बड़ी आजकल ये फैशन में मैंने बना ली इसको ट्रेंडिंग पे ले आई हूँ मैं कि बस रेड लिपस्टिक ये मैंने लगानी है कहीं पे भी जाना है वरना तो मैं बड़ी ही फीकी फीकी लगती हूँ जब तक रेड लिपस्टिक नहीं लगाऊँ तो अच्छा वैसे तो न्यूट चल रही हैं लिपस्टिक्स लेकिन मुझे जो है आजकल बड़ा ही क्रेज है कि मैं जो है ना रेड लगा दू लिपस्टिक तो उससे जो है थोड़ा मेरा चेहरा जो है खेला खेला मुझे लगता है तो इसलिए जी तो मैं तो बड़ी ही आजकल रेड लगा रही हूँ लिपस्टिक आप लोग बताइएगा आप लोग को आप लोग का लिपस्टिक का शेड जो है वो कौन सा है और वैसे जो है न्यू कलर तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं डिसेंट से लगते हैं खैर लिपस्टिक तो लिपस्टिक को जो है सॉरी हम साइड पे रखते हैं और हम बात कर लेते हैं इस ड्रेस के ऊपर तो जी ये है कतान का कपड़ा ठीक है जी और ये मैंने लॉन्ग शर्ट बनवाई है ईद के लिए है ये ड्रेस ईद के लिए जो है इसकी फुल डिजाइनिंग है तो जी ईद के लिए आप लोग ये इस, इस तरह से जो है ड्रेस बनवा सकते हैं मैं आपको अभी इसका जो है खूबसूरत सा दुपट्टा भी दिखाऊंगी उस पर जो है मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है उस पर लिखा हुआ है ईद मुबारक तो जी ये है इसके स्लिप थ्री क्वार्टर हैं ठीक है जी और गला जो है वो चकोर है और ये सिंपल सी जो है लेस लगी हुई है इस पे ये देख सकते हैं आप अच्छा इसके अंदर पता नहीं क्या कड़क कड़क सा था तार जैसा कुछ था पता नहीं क्या लेकिन ये मुझे बहुत ही चुभन चुभन हो रही थी ये वाली लेस खैर फिर भी मैंने लगा ली सस्ती सी थी तो मैंने सोचो यही लगा लेती और रेड के रेड के ऊपर जो है मैंने रेड ही लगाई थी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी और जी ये आ गई हमारी ये राजस्थानी कहते हैं इसे आई थिंक बटन पट्टी ठीक है जी राजस्थानी स्टाइल में है ये नीचे आप देख सकते हैं इसका डिजाइन कुंदन भी कह सकते हैं लेकिन इससे जो है मुझे शॉप वाले ने कहा कि ये राजस्थानी बटन पट्टी है तो मैंने कहा ठीक है भाई तो जी यहाँ पर जो है मैंने लगाई थी ये राजस्थानी बटन पट्टी पूरी और मैंने जो है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग रखवाई थी बटन पट्टी और फिर जो है मैं लेके आई इस ड्रेस के साथ बटन पट्टी ये वाली तो ये थोड़ी शॉर्ट थी लेकिन खैर मैंने चला ली इतनी बुरी नहीं लग रही थी अच्छी लग रही थी और जो है बटन पट्टी जो है वो लॉन्ग ही अच्छी लगती है ज़्यादा शॉर्ट में नहीं अच्छी लगती तो ये मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से जो है वो थी इक्कीस इंच की मैंने रखवाई थी लॉन्ग ठीक है जी और ये है चौक्स और चौकस पे भी यही कतान का ही कपड़ा जो है अंदर फोल्डिंग होकर और फिर तुरपाई है ठीक है और ये फुली लॉन्ग शर्ट है मैं भी आपको पहन के दिखाऊंगी तो आप देख लीजिएगा कि अंदाजा कर लीजिएगा कि ये कितनी लॉन्ग है ठीक है और ये है पैंट ट्राउजर जिसे कहते हैं सिगरेट पैंट तो ये सिंपल सा है बस इस पर कोई मैंने लेस वेस नहीं लगाई बस तुरपाई है अंदर ठीक है जी ये इसका ट्राउजर हो गया और ये इसके साथ आ गया दुपट्टा और इस पे लिखा हुआ है ईद मुबारक तो ये मैंने ईद पे पहना था ये ड्रेस तो मैंने इस तरह से इसे डिज़ाइन किया था कुछ डिफरेंट स्टाइल में कुछ यूनिक लगे तो इस तरह से मैंने इसे डिजाइन किया था खुद से ही मैंने इसे डिज़ाइन किया है और ये है दुपट्टा टिशू का और गंजा जो होता है एक मैट में होता है ये वो वाला नहीं है ये बिल्कुल ये बहुत सस्ता वाला है इसे जो है ये आई थिंक सौ या डेढ़ सौ रुपए गज जो है ये आपको मिल जाता है और उसका अर्ज भी जो है वो बहुत बड़ा होता है इसका अर्ज तो आपका जो है हसीन तरीन दुपट्टा बन सकता है ये शाइन वाला है और गेंजा नहीं है ये टिशू मैं तो इसे कहूंगी कि ये टिशू का है दुपट्टा शाइन वाला जो होता है सस्ता वाला जो होता है ना ये वो वाला है और, और गेंजा जो मैट में होता है वो अलग होता है ठीक है तो ये आप देख सकते हैं और ये एम्ब्रॉयडरी करवाई थी मैंने अच्छा आप लोग जो है ना अगर जी आप लोगों ने इस तरह का ड्रेस बनवाना है तो आप लोग जो है किसी एम्ब्रॉयडरी वाले के पास मत जाइएगा जो लेडीज़ के कपड़े जो है कढ़ाई वगैरह करते हैं तो वो इसकी जो है डिमांड ज़्यादा लेते हैं ज़्यादा पैसे लेते हैं तो ये मैंने करवाया था ये सारी मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी जो लड़कों के कॉलर वगैरह पे जो कढ़ाई करते हैं ना मैंने ये उनसे करवाई थी जो सिर्फ लड़कों के ही कपड़ों पर ये काम करते हैं तो मैंने ये उनसे करवाई थी तो ये मुझे बहुत ही सस्ता बना था मुझे याद नहीं है अभी ये दो दो तीन साल हो गए इस ड्रेस को तो खैर मैं आप लोग को अब दिखा रही हूँ लेकिन ये बहुत ही इंतहा को खूबसूरत लग रहा था जब मैंने अभी पहना था तो मैंने एक बार पहन के इसे रख दिया था फिर अभी जो है मैंने इंस्टा पे रील वगैरह बनानी थी तो फिर मैंने दोबारा से इसे वेर किया और आप लोगों के लिए मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लिया जाए क्योंकि ईद आने वाली है तो आप लोगों के लिए जो है ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो ईद के हवाले से ठीक है जी और ये मैंने बड़े ही सस्ते से जो है ना हाँ जी ये टेसल्स मैंने लिए थे लोकल मार्केट से और ये मुझे पचास रुपए का जो है एक मिला था ठीक है जी तो कितना सस्ता और इतना खूबसूरत लग रहा था ये जब मैं दुपट्टा वेयर करूंगी तो आप लोग देखिएगा कि किस तरह से जो है ये लगे हुए हैं और कितने प्यारे लग रहे थे दुपट्टे तो पे लगे हुए और ड्रेस के साथ क्योंकि ड्रेस जो है मेरा बिल्कुल ही सिंपल था तो इसके साथ जो है ये अलग से दिख रहे थे गोल्ड रिंग बने हुए थे अच्छा काशी वाली जो लेस जो होती है सॉरी काशी वाली जो लेस होती है उसी के स्टाइल में ये कॉपी करके बने हुए थे वो ही जो है डोरी शोरी इसमें लगी हुई थी और ये इसके साथ जो है मैंने प्लेन चूड़ियाँ निकाल ली थी एक हाथ में जो है मैंने फुली ग्रीन पहनी थी और एक हाथ में जो है वो रेड ठीक है और ये आ गए एयर ग्रीन अच्छा ग्रीन जो है ना मेरे ड्रेस में कहीं भी टच नहीं था लेकिन फिर मैंने जो है ग्रीन ये एयर निकाले और एक हाथ में जो है ग्रीन पूरी चूड़िया मैंने पहनी तो वो एक लुक बन गया था और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था तो आप लोग प्लीज मेरे इंस्टा पे जाके मेरी रील्स वगैरह देखिएगा पिक्चर्स भी जो है आपको वहीं मेरे इंस्टा पे मिल जाएंगी और आप लोगों ने लाइक जरूर करना है आगे फ्रेंड्स फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा व्लॉग भी ठीक है जी और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दिखाइएगा इस व्लॉग पे ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे इसी तरह के ड्रेसेस पे जो है व्लॉग ला सकूँ अगर अगर आप लोग जो है मुझे मोटिवेट करेंगे तभी ऐसा होगा वरना तो ये पॉसिबल नहीं है ना <laughs> तो जी यहाँ मैं आ गई रेडी शेडी होकर तो आप लोग देख सकते हैं मेरा लुक और ये ड्रेस जो है कितना खूबसूरत लग रहा है अच्छा जी ये मैंने हेयर स्टाइल जो है ये बनाया है मैंने सज्जल को सज्जल से इंस्पायर होकर और ये इंतहा को खूबसूरत लग रहा था यार ओल्ड जो है फिर वो ओल्ड की बात तो फिर कुछ और ही होती है ओल्ड इज गोल्ड वाह भाई तो जी आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट में और कि ये आप लोग को मेरा लुक कैसा लगा तो जी ये लुक देख लीजिए थी अपने लटे इसको बिठाना जो है बड़ा ही मुश्किल था मेरे लिए लेकिन खैर मैंने कर लिया जो बस पाइजन ने सोच लिया वो तो फिर उसे करना ही है जी तो जी आप लोग भी इस तरह का लुक जो है कर सकते हैं इतना प्यारा इतना क्या ही बताऊँ कमाल का लग रहा था ये लुक और आप लोगों ने जो है टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर लेना है टिकटॉक की आईडी है मेरी फाइजा शारिक वन और जी इंस्टा की आईडी है फायजा शारिक तो जी यहाँ पर मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पे भी मैं साइड पे लगा रही हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा ठीक है जी और ये ड्रेस आप देख सकते हैं अच्छा इसके टच देखें जो कितने प्यारे लग रहे हैं ये कोई मान सकता है कि ये यार ये पचास रुपए का जो है एक है इतना सस्ता और इतना अच्छा वाकई <laughs> कमाल कर दिया जी तो ये आप एयरिंग्स देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन जो है एयरिंग्स पहने हैं और एक हाथ में जो है ग्रीन चूड़ियाँ पहनी है तो इसके साथ भी जो है एक न्यू लुक ही बन गया क्योंकि ड्रेस में जो है कहीं भी मेरे ग्रीन टच नहीं आ रहा था तो मैंने इस तरह से कुछ कर लिया और ये खूबसूरत लग रहा था अच्छा जी जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो जो हो तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का तो जी ये आप लैट देख लीजिए किस तरह से मैंने इसे सेट की थी और ये साथ में मैंने फ्लार्स लगा लिया वाइट तो इसने तो चार चांद लगा दिए भाई इस लुक को तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा और मैं आपको कौन सा लुक करके दिखाऊं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताना है तो इनशा मैं वो भी करूंगी ठीक है जी और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दिखाइएगा और अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा मैं आऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ चले जी अल्लाह हाफिज शब खैर